Hello friends, good morning, this is Jivesh and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So today I am going to take computer class, so please open your book. In last class I gave homework. मैंने होमवर्क दिया था ये वर्कशीट कंप्लीट करने के लिए. सो आई हैव नॉट रिसीव द होमवर्क येट. इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस हाउ टू ज्वाइन द वायर्स विथ मेन पावर सप्लाई और विथ ईच अदर. सो कंप्यूटर का कैसे कैसे वायर कनेक्ट होता है इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है आपको. फर्स्ट क्या है, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है एंड माउस है, राइट. तो मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और एक पावर स्विच भी दिया हुआ है. सबसे पहले जरूरी जानना चाहिए कि हमारा पावर सप्लाई क्या होता है. सीपीयू से कनेक्टेड होता है. ओके, तो पावर सप्लाई हमारा क्या होता है, सीपीयू से कनेक्टेड होता है. ठीक है, अब और जब सीपीयू में आ गया देन सीपीयू कैन ट्रांसफर द पावर टू अदर डिवाइस. ओके, तो मेन क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में पावर सप्लाई होता है मेन से. ठीक है, और इसके बाद मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू से कनेक्टेड होता है, कीबोर्ड भी सीपीयू से कनेक्टेड होता है एंड माउस भी सीपीयू से कनेक्टेड होता है. ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि मेरा मॉनिटर सीपीयू से कनेक्ट हुआ, कीबोर्ड भी सीपीयू से कनेक्ट हुआ और माउस भी सीपीयू से कनेक्ट हुआ. मगर मॉनिटर में भी क्या होता है, इसमें डबल वायर होता है. एक तो सीपीयू से कनेक्ट होता है और सेकंड क्या होता है, जो पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है. ठीक है, सो दिस वन वी आर नॉट नाउ स्टडिंग. ये एक और कनेक्शन होता है जिसमें पावर सप्लाई पास होता है. तो इसमें क्या होता है, दो कनेक्शन होता है पावर सप्लाई से, एक तो मॉनिटर से, दूसरा सीपीयू से. बट दिस इज द मेन कनेक्शन. आपको ये ध्यान रखना है कि मॉनिटर का कनेक्शन किससे होता है, सीपीयू से. कीबोर्ड का भी कनेक्शन क्या होता है, सीपीयू से. एंड माउस कनेक्शन इज ऑल्सो हैपनिंग विद सीपीयू. ओके, क्लियर. तो इस तरह से वायर कनेक्ट करते हैं. सो हियर यू कैन सी हाउ इट इज कनेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है, इस तरह से आपको भी वायर कनेक्ट करना है. आपको भी ये नोट कॉपी जो बना रहे हैं आप लोग, फेयर कॉपी बना रहे हैं, उसमें ये आपको ड्राइंग करना है और सारे वायर को कनेक्ट करना है. ठीक है, तो सीपीयू का कनेक्शन क्या होगा, मेन कनेक्शन सिर्फ होगा आपको पावर सप्लाई से, सीपीयू कनेक्टेड होता है. तो हम लोग हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर पढ़े थे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग मेन पावर स्विच को स्विच ऑन करते हैं, राइट. मेन पावर स्विच ऑन करते हैं, उससे क्या होता है, सीपीयू में पावर आता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग स्विच ऑन सीपीयू को करते हैं, राइट. तो पहले पावर सप्लाई स्विच ऑन किए, फिर सीपीयू स्विच ऑन करते हैं, राइट. तो मेन पावर सप्लाई को स्विच ऑन किए, मेन पावर सप्लाई स्विच ऑन करने के बाद हम लोग सीपीयू को सर स्विच ऑन करते हैं. तो फर्स्ट में हो गया मेन पावर सप्लाई. ठीक है, सेकंड क्या है, सीपीयू. ओके, जब सीपीयू में पावर आ जाता है और सीपीयू को ऑन करते हैं देन एवरीथिंग इज स्टार्टेड. मींस आपका कीबोर्ड स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी आपको पावर दिखेगा, माउस में भी पावर दिखेगा एंड मॉनिटर में भी आपको पावर दिखेगा. मीन्स आपको थोड़ा देर वेट करेंगे तो मॉनिटर में आपको कुछ कुछ स्टार्टिंग प्रोसेसिंग इस तरह का कुछ दिख
दिखाने दिखता है, तो विंडो इज लोडिंग और विंडो इज स्टार्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से आपको मॉनिटर पर दिखने लगता है। जब अगर मॉनिटर का स्विच ऑन ऑफ है तो स्विच ऑन करना है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हम बोलते हैं, स्विच ऑन मॉनिटर। तो मॉनिटर को हम लोग स्विच ऑन करते हैं, राइट। तो फर्स्ट में हम लोग पावर सप्लाई स्विच ऑन किए, सेकंड सीपीयू स्विच ऑन करते हैं, थर्ड में क्या है मॉनिटर को हम लोग स्विच ऑन करते हैं। मॉनिटर स्विच ऑन हो गया, थोड़ा देर वेट करने पर आपको क्या होता है विंडो अपलोड हो जाता है, मीन्स आपका विंडो दिखता है, स्टार्ट हो जाता है। आपको क्या आ जाता है, डेस्कटॉप आ जाता है। डेस्कटॉप आता है, उसमें आपको देखते हैं छोटे 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 आइकन्स होते हैं, राइट। छोटे छोटे उसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं, उस इमेज को हम लोग आइकन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना जानना है कि किस तरह से वायर कनेक्ट करते हैं और किस तरह से ये स्टार्ट होता है। तो मेन स्विच ऑन किए, फिर सीपीयू को ऑन करते हैं, फिर मॉनिटर को ऑन करते हैं, राइट। तो ये दिस इज द मेन थ्री स्टेप्स, ओके। सो वी नो, नाउ वी नो हाउ टू कनेक्ट कंप्यूटर, राइट। हम लोग अगर घर में आपके कंप्यूटर हैं तो आप लोग इस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। मेन पावर सप्लाई से आपको सीपीयू का कनेक्शन करना है और बाकी जितना कनेक्शन होता है वो मॉनिटर कीबोर्ड माउस सबको हम लोग सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, ओके ठीक है, दैट्स क्लियर। तो आप लोग भी अब कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। अभी तक तो हम लोग को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का नेम सबको सबका पता चल गया है, किसके कौन से पार्ट्स को हम लोग क्या क्या नेम बोलते हैं, राइट। हम लोग नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं सबको मालूम हो गया है, राइट। सो वी हैव सम डेफिनेशन, यू हैव टू क्वेश्चन आंसर, यू हैव टू राइट दैट इन योर फेयर कॉपी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर, ओके। व्हाट इज अ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कंप्यूटर को किसने लाया, हाँ किसने सबसे पहले बोला होगा तो दिस इज द कंप्यूटर। सो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ओके। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर मीन्स जो सबसे पहले बताया कि दिस इज अ कंप्यूटर, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो किसने बताया, चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और इनका इमेज आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, इस तरह के दिखते थे, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने बताया कि ये एक कंप्यूटर है, ओके। तो कंप्यूटर हम लोग जान गए, एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जानते हैं। तो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हम लोग को मालूम है मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस। तो फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। ये आपको इमेज दिख रहा है, इसमें भी देख सकते हैं कि ये फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है एंड माउस है। तो दिस आर द फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ओके। तो ये आपको अभी आपको कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। व्हाट इज अ कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो दिस थ्री क्वेश्चन आंसर यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको चैप्टर, इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना है, ये बनाना है, ज्वाइन द वायर टू द करेक्ट प्लेस, आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आंसर लिखना क्या है, व्हाट इज द कंप्यूटर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर,
ठीक है. सो दे आर फोर मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जैक्टली द चैप्टर. अभी हमें यहाँ पर सब कुछ पता है. सो कंप्यूटर हम लोग जान गए व्हाट इज द कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट, और इसके पार्ट भी हमें मालूम है. तो कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट इज अ यहाँ पर आपको एक थ्योरी दिख रही है. क्या बोलती है? अर्णव, डू यू नो दैट ऑल लिविंग बींग हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स एंड ईच बॉडी पार्ट्स डज अ स्पेशल फंक्शन. हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि हमारा बॉडी पार्ट्स होता है, ठीक है. हर ह्यूमन बींग का बॉडी पार्ट होता है, राइट. और हर बॉडी पार्ट्स का क्या होता है? अलग अलग फंक्शन होता है. आईज होता है, नोज होता है, ईयर होता है, हैंड है, लेग्स है, हर का अलग अलग काम है, राइट. आईज से हम लोग देखते हैं, लेग से हम लोग चलते हैं, राइट. ईयर से हम लोग सुनते हैं. तो हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है. सो यही चीज वो अर्णव से पूछ रही है कि क्या तुम्हें पता है कि हर ह्यूमन बींग हैव स्पेशल बॉडी पार्ट. हर ह्यूमन बींग के पास स्पेशल बॉडी पार्ट होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट होता है, और ईच बॉडी पार्ट क्या होता है? स्पेशल फंक्शन करता है. तो अर्णव बोलता है यस आई नो, हाँ मुझे मालूम है. जस्ट लाइक अ कंप्यूटर ऑल्सो हैज मेनी पार्ट. जस्ट लाइक ह्यूमन बींग, कंप्यूटर का भी क्या होता है? बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है. लेट्स नो अबाउट द कंप्यूटर पार्ट. चलो हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स को, ठीक है. तो यहाँ पर बॉडी पार्ट्स आप लोग को पता है, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ बॉडी पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स, राइट. सो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है. क्विक रिव्यू, लेबल द पार्ट्स ऑफ प्लांट यूजिंग द वर्ड गिवन बिलो. यहाँ पर आपको एरो दिया हुआ है, इसमें आपको फिल करना है कि कौन सा पार्ट ये रिप्रेजेंट करता है. Okay, so you have to make this, okay, in homework. So you have to do first in your copy, in your book, and after that you have to do in the your copy, in your spare copy. So first आप लोग book में इसको complete करके मुझे share कीजिए, ठीक है. और जब बोला जाएगा आप spare copy में इसको कर लेना है, ठीक है. So this is your homework. I have already discussed all the parts of plants. So just you have to recall. आपको याद करना है और इस पार्ट को लिखना है यहाँ पर. So there are only four parts of plant. So four parts को यहाँ पर लिखना है, ठीक है. Leaves है, root है, stem है, flowers है. तो इसको आपको represent करना है कौन सा पार्ट को क्या हम लोग बोलते हैं. Okay. So next page है The four main parts. आप लोग पेज भी आप लोग भी देखिए, फिंगर रखिए. The four main parts of a computer are. Four main parts of computer क्या क्या है? Monitor, mouse, keyboard and CPU. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि four parts of computer क्या है. Four main parts of computer. Monitor, mouse, keyboard and CPU. Each part does a special function. और हर एक पार्ट क्या होता है? स्पेशल फंक्शन करता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल. आपको हम लोग यहाँ पर डिटेल में बताएंगे कि मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है और सीपीयू क्या होता है, ठीक है. तो मॉनिटर, फर्स्ट वन, दिस इज अ मॉनिटर. आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो एक मॉनिटर है, ठीक है. ये एक आपको टीवी जैसे दिखता है, टेलीविजन की तरह. इट लुक्स लाइक ए टेलीविजन. ये टेलीविजन की तरह दिखता है. क्या दिखता है टेलीविजन की तरह? मॉनिटर. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन. यहाँ पर आपको मॉनिटर दिख रहा होगा. ये मॉनिटर क्या है? टेलीविजन की तरह दिखता है. द फ्रंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर इज कॉल्ड इट्स स्क्रीन. और जो फ्रंट पार्ट है, आगे का जो पार्ट है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीन कहते हैं, ठीक है. द फ्रंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर इज कॉल्ड इट्स स्क्रीन.
ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है मॉनिटर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, मॉनिटर का स्क्रीन। ओके, सो ये एक मॉनिटर है, ठीक है। और मॉनिटर किस तरह का दिखता है, जस्ट लाइक अ टेलीविजन, हम लोग को दम टेलीविजन की तरह दिखता है, राइट। इवन इफ यू सी द, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉनिटर जो दिख रहा है आपको, ये भी क्या है, एक टेलीविजन की तरह दिख रहा है, राइट। ये न्यू टाइप का मॉनिटर हो गया, तो इसको एलसीडी मॉनिटर कहते हैं या एलईडी मॉनिटर होगा। और ये क्या है, आपको सीआरटी मॉनिटर है, ठीक है। ये आपको ज्यादा डिटेल नहीं जानना है, मगर इसे हम लोग ओल्ड मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। पुराना मॉनिटर इस तरह का आता था, ठीक है, बैक साइड जिसमें रहता था। अभी का जो मॉनिटर आता है वो थिन रहता है, पतले पतले होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द मॉनिटर। और आप ओल्ड टीवी अगर आपके पास होगा या आप देखे होंगे, तो ये जस्ट लाइक टीवी आपको दिखता है, टेलीविजन की तरह ही दिखता है, राइट। सो इट जस्ट लुक लाइक अ टेलीविजन, टेलीविजन की तरह ही दिखता है। और जो फ्रंट पार्ट है, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है इसमें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं। ओके, सो फ्रंट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीन। ठीक है, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है इसे हम लोग स्क्रीन कहते हैं, और पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। ओके, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, दिस इज अ कीबोर्ड। ये आपको राइट साइड में जो दिख रहा है वो क्या है, कीबोर्ड है। इट लुक्स लाइक ए टाइपराइटर। अगर आप लोग टाइपराइटर देखे हैं, तो टाइपराइटर में भी क्या होता है, बहुत सारे कीज होते हैं, बटन होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे कीज होते हैं, जिसमें आपको क्या है, ए बी सी डी ई एफ, पूरा अल्फाबेट का नंबर और कुछ स्पेशल सिंबल, ठीक है, वो भी रहते हैं। तो ये जिसमें बहुत सारे कीज होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कीबोर्ड कहते हैं। और ये किस तरह का दिखता है, जस्ट लाइक अ टाइपराइटर। अगर आप लोग टाइपराइटर देखे हैं, तो इट जस्ट लुक लाइक अ टाइपराइटर। और कीबोर्ड हैज मेनी बटन। और कीबोर्ड के पास क्या होता है, बहुत सारा बटन होता है, इसमें बहुत सारे पूरे कीबोर्ड में बटन होते हैं, स्मॉल स्मॉल बटन होते हैं, उस बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। ओके, तो कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड की प्लस बोर्ड, ओके, की प्लस बोर्ड, जिसमें एक ऐसा बोर्ड, ये बोर्ड आप लोग ब्लैक बोर्ड देखे हैं स्कूल में, व्हाइट बोर्ड भी देखे हैं, ये बोर्ड इस तरह का एक बोर्ड है जिसमें बहुत सारे कीज हैं। ओके, सो की प्लस बोर्ड, सो की प्लस बोर्ड से कीबोर्ड बन गया, मींस बोर्ड है जिसमें बहुत सारे कीज है, तो उसे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। सो दिस इज अ कीबोर्ड, ये एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड है। इट लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, और ये टाइपराइटर की तरह दिखता है। अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स, कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं, दिस बटन आर कॉल्ड कीज, और इस बटन को हम लोग क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं। ओके, दिस बटन आर कॉल्ड कीज। अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन द स्क्रीन। अगर स्क्रीन पर हमें कुछ लिखना है, जैसे मैं अभी स्क्रीन यहाँ पर लिखा ना, तो स्क्रीन ये जो आपको दिख रहा है अभी, ये मेरा स्क्रीन है, ठीक है। तो स्क्रीन पर अगर कुछ भी लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, कीबोर्ड का यूज करके लिखते हैं। तो बाई यूजिंग द कीबोर्ड वी कैन राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। हम लोग स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं कीबोर्ड का यूज करके, आपका नाम लिख सकते हैं, आपका एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है, आप क्या, आपको क्या पसंद है, सब कुछ हम लोग यहाँ पर कीबोर्ड का यूज करके स्क्रीन पर लिख सकते हैं। तो मॉनिटर पर वो दिखेगा, ठीक है, स्क्रीन पर आप जो भी टाइप करेंगे वो आपके स्क्रीन पर दिखेगा, और कीबोर्ड में
क्या होते हैं बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, और स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, कुछ कुछ सिंबल्स भी होते हैं. ओके, तो ये क्या है, कीबोर्ड है. लुक कैसा दिखता है, टाइपराइटर की तरह दिखता है, जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं. दिस बटन आर कॉल्ड कीज, और इस बटन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कीज कहते हैं. अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑन अ ऑन द स्क्रीन. कीबोर्ड किस लिए यूज करते हैं हम लोग, को राइट करने के लिए. कहाँ राइट करते हैं, स्क्रीन पर. तो स्क्रीन पर राइट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज करते हैं. ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. तो आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, बहुत सारे चीज है आपको करने के लिए. फर्स्ट तो आपको वो वायर कनेक्ट वाला है, इसको आपको फेयर कॉपी में करना है. ओके, दिस वन यू हैव टू डू इन द फेयर कॉपी. देन यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर फेयर कॉपी. ओके, एंड यू हैव टू फिल दिस बॉक्सेस ऑल्सो इन योर बुक. ठीक है, दिस थ्री थिंग्स यू हैव टू डू. सो दिस आर द होमवर्क. Okay, in next class we are going to discuss MOS, CPU, and there are some quick review summary details we are going to discuss that. Okay, so that's it. Bye bye. We'll see you in the next class.